देखिए जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का मुख्यमंत्री बनना था वो भी क्वाइट इंटरेस्टिंग था वो तीन बार के लोकसभा एमपी जरूर थे तीन बार चौधरी को हराया था लेकिन उस टाइम उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था दो में वो एम थे दिल्ली में उनको लीडर किसने बनाया सी का उनको लीडर उन्हीं की पार्टी के एम ने बनाया जिसमें शैलजा भी थी जिसमें इंद्रजीत भी थे और तमाम स्टालवर्ट्स थे उस अगर आपको याद हो 2004 का चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट था कांग्रेस के लिए और जितने भी सीनियर मोस्ट शत्र थे हरियाणा में जो बड़े नेता थे कांग्रेस के सबने चुनाव लड़ा था तो उन क्योंकि सीएलपी के तो हिस्सा ही नहीं थे ये तो इनको सीएम बनाया उस मेंबर पार्लियामेंट्री बोर्ड के वो जो दस सदस्य थे उन सब ने कहे इनको हम लेके आते और एक तरीके से उनमें आम सहमति थी उसमें कोई विरोध नहीं था उस समय लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखिए कि सबसे पहले वही लोग छिटकते चले गए चाहे वो इंद्रजीत हो चाहे वीरेंद्र सिंह हो चाहे शैलजा हो समय के साथ साथ क्यों उन सबको यह लगता था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस किसी पद पर नहीं वो एमपी जरूर रहे उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस उस रूप में नहीं है डिलीवरेबल्स में नहीं है या डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है लेकिन हुआ क्या कि उनकी एस्पिरेशंस जो भी रही होंगी वो पूरी नहीं हो पाई विद इन सिक्स मंथ्स टू से अबाउट ए ईयर 2006 तक ही ये सारी चीजें दिखने लगी थी वो तो जो सुरेंद्र सिंह का जो हादसा हुआ ओम प्रकाश जिंदल जी चले गए वो वो भी एक कहीं ना कहीं हरियाणा की सियासत में इंपॉर्टेंट स्टेप है वो कहीं ना कहीं वो दौर तो उस सारे में क्या हुआ कि जो उनको लेके आए थे चाहे वो जिन्होंने समर्थन किया था सेंटर में जिन जिन्होंने उनकी मदद की थी उसमें कि मुख्यमंत्री के लिए इज द बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट वही लोग उनसे छिटकने लगे थे जी और उसके बाद जब एक स्टेज ऐसी आई तमाम उसमें प्रकरण भी है उसमें कुछ रेफरेबल्स भी हैं कुछ रेफरेबल नहीं भी हैं एक स्टेज तो मुझे ऐसा भी पता है कि तब ये कहा गया बुला करके कि ये सब दिल्ली में नहीं होना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर लीडर को लेकर के उन्होंने कितनी ग्रुप को बुला लिया था वो वॉज वेरी क्लोज टू हाई हाईकमान एज वेल एज हिम तो ये कहा कि आज के बाद ये सीन दोबारा क्रिएट नहीं होना चाहिए ये आपको पता है मुझे भी पता है ऐसी चीजें भी हुई तो डूज एंड डोंट्स में हाई हाईकमान भी बड़ा स्पेसिफिक है एज फार एज दिल्ली इज कंसर्न और वो सारी चीजें थी लेकिन कांग्रेस के इतिहास में आपको एक बात और भी माननी पड़ेगी कि जितनी इंडिपेंपेंडेंस हाईकमान की तरफ से को मिली शायद किसी को नहीं मिली कांग्रेस के उसमें चाहे भजन थे उस टाइम भी सेंटर का कोटा होता था मैनेजमेंट कोटा जिसको बोलते पद, 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 हैं उनको कंप्लीटली इंडिपेंडेंट वो मिला उन्होंने दो पहली टर्म के अंदर काम भी अच्छा किया ये जो CLUs और ये सारी चीजें हैं वो एक, एक पक्ष है इसके भी दो रूप है एक रूप वो जो दिखाया जाता है दूसरा रूप यह भी है कि उसके बिना डेवलपमेंट भी कैसे होगा और सीएल में तो शुरू हुआ नहीं इट इज गोइंग ऑन राइट फ्रॉम एटीज उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा जैसे आपने कहा जब एफडीआई आई इजी मनी आया दिल्ली की तरफ से डेवलपमेंट बढ़ा तीन तरफ से हरियाणा घेरता है उसको वो सारी चीजें हैं उसमें कुछ बेकायदियां हुई मैं यार आप नहीं कह सकते हमने ना फाइलें नहीं देखी वो एक वो पक्ष था जो जनहितैषी नीतियों की बात करोगे आप उसमें भी उनका स्कोर ठीक ठाक रहा डेवलपमेंट के अंदर भी उनका एक विजन था सारी चीजें थी लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी टर्म से तक जब वो आए तो उनके ऊपर भी वही टैग लग गया जो देवलाल पे भी लगता था कहीं ना कहीं वो थे या नहीं ये तो लोगों ने उस 2014 के चुनाव में जो मैंडेट आया वो तो तय कर दिया लोगों ने कि कुछ था और बीजेपी कहने के, के बाद तो और भी क्लियर हो गया कि कुछ था तो वो चीज कहीं ना कहीं जो एक पर्टिकुलर कास्ट को लेकर के चाहे अनचाहे चाहे एफिलेशन हुई उसने कांग्रेस की पार्टी का भी पॉलिटिक्स का नुकसान किया उनकी व्यक्तिगत पॉलिटिक्स का भी नुकसान उन्होंने तो देवीलाल जी को और आया तीन बार और यहां तो जाटों के कारण तो आप अकेले चुनाव नहीं जीत सकते ना चुनाव और वो भी जाटों के रिप्रेजेंटेटिव थे तो कहीं ना कहीं एस्पिरेशन उडा साहब सही ये थी कि आपको लीडर हम नॉन जाट्स ने बनाया क्योंकि तो आपकी शुरुआत हुई नाइन्टी में एम से तीन बार चुनाव आपने जीता तो जाट तो देवलाल जी को वोट डालते ही थे और फिर कहीं ना कहीं एक मैसेज चला गया नीचे कि ये भी उसी पॉलिटिक्स पे कर रहे हैं जिसका नुकसान उनको भी उठाना पड़ा और कांग्रेस पार्टी को भी उठाना पड़ा और 2019 के चुनाव में आपने देख लिया कि लोकसभा चुनाव उडा साहब भी हारे और दीपेंद्र भी हारे मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं कि हिंदुस्तान में पांच सीटों में लोकसभा चुनाव होता है त्याग जी जो डेवलपमेंट रोहतक में हुआ वो कहीं नहीं हुआ अमेठी में भी नहीं हुआ रायबरेली क्योंकि वहां की अपनी एक लिमिटेशन हरियाणा में डेवलपमेंट का स्कोप भी था और इच्छा शक्ति भी थी वो हुआ भी आप हाईवेज देखिए हरियाणा जैसे हाईवेज कहीं नहीं है अम्यूनिटीज देखिए पब्लिक एम्यूनिटीज लेकिन ये जो सारी चीजें कहीं ना कहीं आई जो एक कास्ट का टैग लगना दैट री काउंटर प्रोडक्टिव लेकिन कुल मिला के देखिए तो भगवत दयाल शर्मा आए कैसे थे मुख्यमंत्री के तौर पर वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था जो हमने अब तक पढ़ा और जो सारी चीजें देखी उस समय पूरी पूरी योजना ये थी कि रणबीर सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की बात थी लेकिन किसी कारण से इंदिरा गांधी जी रशिया चली गई उसी दौरान में जब ये सारा प्रोसेस चल रहा था और जो इंदिरा जी के सबसे मुंह लगे लोग थे उन्होंने बीच में भगवत दयाल शर्मा का नाम करके और वो जो उस टाइम बड़ा डेमोक्रेटिक लीडरशिप का सिलेक्शन होता था अगर बाकायदा कांग्रेस ने पार्टी के अंदर बाकायदा वोटिंग होती थी किसके साथ कौन है और उसमें गुलजारी लाल नंदा जी का नाम लिया जाता है कि उन्होंने भगवत दयाल जी के लिए फील्डिंग सजाई और इंदिरा जी की संकेत जो था जो उनकी च्वाइस थी उस टाइम पर रणवीर सिंह थे लेकिन वो चूंकि एहन समय पर जब जिस तरीके की वोटिंग हुई जो हालात बने इन एबसेंस ऑफ हर तो भगवत दयाल शर्मा उस तरीके से मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे लेकिन उनकी टर्म बहुत थोड़ी थी तो उनकी टर्म इतनी थोड़ी थी कि उसको किसी रूप में इवेल्युएट कर पाना और उनकी डिलीवरीज को ब्रॉडर एनालाइज कर पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जब कभी आप वो करते हो एनालिसिस तो किसी को दो से तीन साल तो बेर मिनिमम चाहिए खुद को स्टैब्लिश होने में और अपने शासन को स्टैब्लिश करने में तो वो समय भगवत दयाल जी का उस रूप में कम रहा बंसीलाल की सबसे अच्छी बात जो थी चौधरी बंसीलाल की वो एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे और विजनरी थे आप कभी भी वो देखिए कितने तीन बार चीफ मिनिस्टर आए हुए हरियाणा के कभी भी वो मास लीडर उस रूप में नहीं हो पाए जैसे चौधरी देवीलाल हुए उस तरीके के मास लीडर नहीं हुए लेकिन जो बंसीलाल जी के साथ जो प्लस पॉइंट्स थे वो काफी इंपॉर्टेंट है एक तो उनके पास जो फंड्स का फ्लो था वो काफी था उस टाइम पे देखिए हरियाणा नया स्टेट बना था और इंदिरा गांधी की सरकार थी और पैसे की कोई दिक्कत उस रूप में नहीं थी तो जब आपके पास पैसा था और एक विजन था प्लस विकास की गुंजाइश बहुत थी क्योंकि था ही कुछ नहीं जैसे हम बात कर रहे थे कि बहुत ही बैकवर्ड एरिया था तो जैसे सड़कों की कनेक्टिविटी उन्होंने की हरियाणा पूरे देश में पहला प्रदेश था ऑफकोर्स छोटा प्रदेश है लेकिन बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पहला प्रदेश था और उसके अंदर हर गांव तक सड़क पहुंची इसी तरीके से हर गांव तक बिजली पहुंची यह उस टाइम स्मॉल अचीवमेंट्स नहीं थे आज तो आप कह देते हैं कि पूरे देश में हमने यह कर दिया उस टाइम साधन भी सीमित थे टेक्नोलॉजी भी उतनी एडवांस नहीं थी और बंसीलाल जी का जो सबसे बड़ी गजब की चीज जो मैं आज तक जिसका कायल हूं वो टाइम बाउंड इंप्लीमेंटेशन में बड़ा भरोसा करते थे वो आपके पास आए हाँ कि हाँ बताइए थे ये प्रोजेक्ट आप कितने दिन में कर देंगे तो आपने कहा साहब छह महीने में तो वो कहते थे ठीक है मैं छह महीने दो दिन में आऊंगा तो वो उनके अप्रोच थी तो आपको अंगेज भी कर लिया आपके अंदर एक भरोसा भी दे दिया और जब आप बंसीलाल जी जब मुख्यमंत्री के तौर पर आपसे बात कर रहे हैं तो आपके पास किसी चीज की वैसे भी कमी नहीं कमी नहीं रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन विल बी ऑन एट पार विद यू ऑन पेज तो उसमें जो चुटपुट जो दिखते टेक्निकलिटीज आजकल आती हैं वो उस दौर में उसकी गुंजाइश नहीं थी और एबल एडमिनिस्ट्रेटर कठोर एडमिनिस्ट्रेशन डिलीवरी का आदमी एंड विद ए विजन तो उन सारी चीजों ने कहीं ना कहीं हरियाणा को जो एक अपने पैरों पे खड़ा होने में काफी मदद की रही हरियाणा के सियासत के इतिहास में यह सबसे बड़ी एक क्वेरी है जिसको अपन सारे रिसर्च करते रहते बीच बीच में और बंसीलाल जी के साथ जो यह हादसा हुआ जिस तरह के हालात बने वो तीसरी टर्म में बने पहली टर्म तो शुरू में थी उनकी बीच में जब वजनलाल जी को हटा के सेंटर में बुलाया गया उनको उस समय टाइम बहुत थोड़ा था उनके पास बहुत कम ग्यारह महीने के आसपास था और जब वो ग्यारह महीने में आए तो स्टेट हमारी हरियाणा स्टेट जो मूड बनाती है ना वो टर्म के साढ़े तीन चार साल के बाद बनाई लेती है ये मान के चलिए तो उस टाइम डिसीजन ये लगभग लोगों ने ये मूड बना लिया था पॉलिटिशियन भाग भी लेता है कि कांग्रेस इज ऑन इट्स वे आउट ये सच्चाई है तो उस टाइम जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पर ऑफकोर्स ग्रिप तो थी लेकिन वो डिलीवरी सेवेंटीज वाली डिलीवरी नहीं थी तमाम कारणों के चलते और वो सारे जो बंशीलाल जी ने जो सारा अर्जित किया था एक, एक शासक प्रशासक के नाम पर एक विजनरी लीडर के उस पर और एक विकास पुरुष के नाम पर जो छियानवे से निन्यानवे की उनकी ट्रम थी मुझे ये कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं लगती कि उन्होंने जितना जीवन भर अर्जित किया था चाहे वो रेल मंत्री के नाते चाहे वो रक्षा मंत्री के नाते चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाते उसको उन्होंने गवाह भी दिया कारण क्या रहे उस पर हम बहस कर सकते हैं शराबबंदी उसका सबसे बड़ा कारण रहा और शराबबंदी जो उनका सबसे फेवरेट एक तरीके से जिसके उस पर चढ़कर वो सत्ता की उस पर आए थे वो बीजेपी के आए थे उसमें जो आरोप लगे शराब की तस्करी के उनके उनके अपने लोगों पे ही लगे और टू बेटे पर भी लगे एक जो आपकी जो यूएसपी है आप डिलीवर करते हैं वो डिलीवरी वो नहीं हो पाई 96 दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि उनकी अपनी मेजोरिटी तो थी नहीं और बीजेपी को हरियाणा में सत्ता का ताजा सुख क्योंकि देखिए देवीलाल जी की तो एक काम करने का एक शैली थी चौटाला साहब की एक काम करने की शैली थी वो किसी अलाई को बियॉन्ड ए पॉइंट कैरी नहीं करते अपने मन से काम करते बंसीलाल जी के वो हालात नहीं थे वो जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि वो बैसाखियों पे थे और वो बैसाखी अल्टीमेटली उनका जो पूरा जीवन की कुल जमा पूंजी थी उसने उसको कहीं खराब करने की कोशिश की चाहे वो शराबबंदी का मामला हो चाहे डिलीवरी का मामला हो चाहे कंप्रोमाइज का मामला हो परिवार के अंदर सरोज उस तरफ खींच रही है सुरेंद्र उस तरफ खींच रहे और वो तमाम चीजें उसके कारण जो उनका जो हरियाणा की सियासत में जिस बड़े कद के साथ नाम लिया जाना चाहिए था वो 99 की टर्म के बाद और जिस तरीके से उन्होंने अपॉर्चुनिज्म भी किया एक तरीके से पूरा जीवन बंशीलाल जी का क्या था एंटी बीजेपी पूरा जीवन एक सैद्धांतिक तौर पर और मैं आप जब उनसे हमारे उनसे संबंध व्यक्तिगत भी रहे तो बहुत ही नफीस आदमी थे वो बातचीत के हिसाब से एक विजनरी लीडर थे वो इस बात को आखिर तक पचा नहीं पाया कि यार मुझसे गलती हो गई वो और वो उनके जीवन का ऐसी गलती थी व्यक्तिगत बातचीत कि मेरे को इसका पछतावा रहेगा और वो पछतावा जिस दिन वो सोनिया गांधी से मिलने गए कांग्रेस में मर्ज करने के लिए और उनको डेढ़ घंटा बाहर बैठना पड़ा त्यागी जी मैं था वहां पर उनको इंतजार करना पड़ा जनार्दन द्विवेदी लेके गए थे उनको उस दिन उनके जब वो वापस आए तो उनकी आंखों में आंसू थे उनका केवल एक ही था कि मैंने ये पार्टी छोड़ी क्यों और छोड़ दी तो मैं वापस आया क्यों दोनों ही चीजों का कष्ट था उनको छोड़ने का भी और वापस आने का भी जिन कंडीशन में सरेंडर करके वो आए आपकी पार्टी थी आप सत्ता में थे और उसमें भी गजब की बात कि बंसीलाल जी से बीजेपी ने समर्थन विड्रॉ कर लिया उसके बाद कांग्रेस का समर्थन ले लिया हरियाणा में तीन ही तो पार्टियां थी तो आप तो बेपेदी के लौटे हो गए एक तरीके से तो उस पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म को भी हालांकि बंसीलाल जी को जो मैं और आप जानते हैं वो ये कह सकते हैं कि भाई जिस तरह के शासक थे वो वो सत्ता को लात भी मार सकते थे लेकिन इस केस में उनकी जो वो यूएसपी थी वो भी जीरो हो गई आज बीजेपी के साथ है कल कांग्रेस के साथ है सिद्धांतों की बात नहीं है नीतियों की बात नहीं है ये राजनीतिक अवसरवादिता की बात है तो कहीं ना कहीं वो जो अर्जित पूंजी थी मुझे लगता है कि इन कारणों से उसमें डिमिनिश भी हुआ और वो नेगेटिव में भी चलेगी स्टेज पर भजन जी ने क्या किया, किया कि मुझे इनकी कहते नहीं थे काम भी करते थे जैसे भी करते थे सिलेक्टिव फ्यू के लेकिन जब आप मुख्यमंत्री की या किसी संवैधानिक पद की शपथ लेते हो जी तो आपको बिल्कुल पार्टी नहीं बनना होता आपको न्याय करना होता है वो पद न्याय का है आप किसी के प्रति फॉर और अगेंस्ट नहीं हो सकते जो आपके सामने आता है मेरिट पे आप डिसाइड करते हैं यही आपकी शपथ है लेकिन दुर्भाग्य से ये वो सारी स्थितियां वहां से शुरू हुई चाहे वो रोजगार के मामले में हो आदमपुर के लोग ही लगेंगे या पर्टिकुलर एक रीजन के लगेंगे एक डिस्ट्रिक्ट के लगेंगे ये जो सारी बुराई आज आप देख रहे हैं भजनलाल जी से पहले नहीं थी अगर बजनलाल जी की पहली टर्म देखेंगे जब वो सारी की सारी देवीलाल के विधायकों को लेकर उड़ गए थे वो सारी शुरुआत वहां से शुरू हुई थी वो सेकंड और थर्ड टर्म्स में क्योंकि बच्चे yes. बड़े हो गए अपनी पत्नियों ने भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया जसमा देवी तो चुनाव भी लड़ी बजनलाल जी के समय में भी लड़ी बजनलाल जी के बाद भी लड़ी yes. तो कहीं ना कहीं जो फैमिली का इंटरफेरेंस था हरियाणा की वो आजकल एक मतलब वैसे तो पूरे देश में है अनफॉर्चुनेटली चाहे आप यूपी में चले जाइए बिहार में चले जाइए गो एनवे तमिलनाडु में चले जाइए आंध्रा में एवरीवेयर इट इज लेकिन यहां पर जिस तरह की वो चीज समय से पहले आ गई उस टाइम कभी आप अपने बेटे को प्रमोट करने की सोचते नहीं थे आज आज अपने बेटे के अलावा कुछ नहीं सोचते ये चेंज आया तो भजनलाल जी परिवारवाद के भी एक तरीके से सबसे बड़े पोषक रहे नहीं वो द्वेष नहीं पालते थे किसी के साथ व्यक्तिगत देखिए भजनलाल जी से के बारे में एक बड़ी कहावत है हमारे यहाँ रोहतक में हालांकि उनको लाइक नहीं किया जाता था लेकिन एक बड़ी कहावत उनके बारे में कि जो भजनलाल जी से एक बार मिल लिया वो जिंदगी में उनके खिलाफ वोट नहीं डाल सकता उसका काम हुआ या नहीं हुआ तो ये व्यवहार कुशलता है तैयारी जी ये तो हम सबको भी आनी चाहिए दैट इज हिज प्लस पॉइंट कितने बड़े से बड़े आंदोलन उस दौर में हुए बड़े से बड़े क्राइसिस आए वो हंस बोल के कर लेते थे किसी को भी साथ बैठना अपने छोटे का हिसाब नहीं है बड़े का हिसाब नहीं है जिसकी जो अच्छाई है वो हमें जरूर कहनी चाहिए भजनलाल जी के साथ जो जिससे वो पसंद भी नहीं करते उसके साथ भी आजा भैया क्या बात होगी गेट पर रिसीव कर लेते थे उसको आज के शासकों में नहीं है वो आज के शासकों में तो आपने मेरे कुछ कहा तो मैंने ईर्षा पाल ली वो भजनलाल जी के अंदर देवीलाल जी के अंदर भी नहीं थी उस लेवल पर लेकिन भजनलाल जी मतलब सर्वग्राह थे एक तरीके से कोई भी जाके मिल सकता था उसी की भाषा में बात करते थे काम करने की भी कोशिश करते थे लेकिन यह भी सच है कि परिवारवाद का एक पक्ष था रीजनलिज्म का एक पक्ष था करप्शन का भी एक पक्ष था तो सारे पक्ष थे वो उसमें देखिए तो अनिल जी एक तो वो धरती पुत्र थे वो किसी सड़क पे चले गए किसी भी रीजन में चले गए उनको वो भाषा आती है नहीं आती हरियाणा की बात छोड़ती हरियाणा को सबको ही पता है यूपी में भी जाते थे बिहार में भी जाते थे सारे देश में जब घूमे वो वो जहां बैठ जाते थे उस आदमी को अपना बना लेते थे क्योंकि उसी की भाषा में उसी के लेवल पर जाके बात करना एक उनका जो डील डॉल जो कद पूरा बातचीत का लहजा एक दूसरा वो चूंकि जमीन से उठे थे और उस दौर में लीडरशिप में वो सब नहीं था जो आज के दौर में बड़े से बड़ा लीडर आपका विरोधी हो सकता है लेकिन शत्रु नहीं थे शत्रुता भाव नहीं था वो जब कांग्रेस छोड़कर आए तब भी कोई शत्रुता का भाव नहीं सबके साथ संवाद था उनका वो उस दौर की एक अच्छाई थी वो आज शायद नहीं है और जो किसान फ्रेंडली एक माहौल बना उस दौर में क्योंकि किसान हरियाणा की इकोनॉमी एज वी डिस्कस्ड हरियाणा की जो पूरी वो थी इकोनॉमी वो एग्रोनॉमी थी उसके वो चैंपियन एक तरीके से उन्होंने कॉज कर उसमें चाहे कोई कास्ट हो और खासतौर पर अगर आप देखेंगे तो चाहे देवीलाल के साथ जो निचले तबके थे वो भी जुड़ते थे फॉर द वेरी सिंपल रीजन ही यूज टू इंस्टेंटली कनेक्ट देर लैंग्वेज एट देयर प्लेस ऑफ देयर वो कहीं भी आप हो वो वही चला जाते थे किसी के घर में भी चाय पी लिया लस्सी पी लिया लाइक like देट और आप सोचिए देवीलाल जी पढ़े लिखे नहीं थे उस दौर में वृद्धावस्था पेंशन का कंसेप्ट मैं उसको आज भी उनका कंट्रीब्यूशन मानता हूं बहुत सारे लोग कहते हैं भारत है, लेकिन मुझे लगता है कि विजन देखे आप हमारे यहां उस दौर में बुजुर्गों की कदर नहीं थी आज हमें लगता है यार सौ रुपए क्या चीज थी लेकिन उस दौर में उस सौ रुपए की वैल्यू थी और उन्होंने उस चीज को चूंकि वो मास लीडर थे और पल्स पकड़ सकते थे और किसी ने डिमांड थोड़ी की थी उनसे ही हिमसेल्फ इट अगर मैं आया तो मैं ये करूंगा तो वो जो सारी चीजें हैं बेशक प्रशासन पे भी एक खास तरह के तबके का उनके में भी तमाम बुराइयां थी परिवार का हस्तक्षेप कहीं ज्यादा सबसे ज्यादा हस्तक्षेप शायद उन्हीं के परिवार में था वो सारी चीजें थी डेवलपमेंट का भी कंसेप्ट उतना उनको नहीं था ऑनेस्टली ये बात मैं क्योंकि उसमें दैट कम्स विद एजुकेशन ट कम्स विद एक्सपोजर आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर आपका इधर उधर का वो सारी चीजें लेकिन मास मोबालाइजेशन के जो चैंपियन वो थे हरियाणा की पॉलिटिक्स में भी और हमारे दौर की जो हमारी पी डी है सेवेंटीज की उसमें देश के स्तर पर भी आप देखें उनसे बड़ा वोट कैचर भी कोई नहीं था उस दौरान में या तो टिकैत थे लेकिन वो टिकैत नॉन पोलिटिकल थे दिल्ली में जब चाउट वोट क्लब को कर देते थे देवीलाल जी में वो चीज थी मास मोबिलाईजेशन चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो हो लेकिन स्टेबिलिटी नहीं थी स्टेबिलिटी इन सेंस के आज वो कुछ करने चले शाम को चुराला साहब आ गए पीछे से दूसरा आ गया उनके जो दूसरे भाई थे वो आ गए एंड लाइक दैट तो उसने क्या किया कि उनका जो एक डिलीवरेबल्स जो होने चाहिए थे वो एक वृद्धावस्था पेंशन के अलावा बहुत सारी चीजें आप मतलब किसानों की बात है ऑफकोर्स खाड़े बने नालियां बनी और सारा वो चिटपुट चीजें हैं बाकी कोई मेजर कंट्रीब्यूशन जो उनका कद था उसकी तुलना में हम नहीं कह सकते कि उतना बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन आया उनका सत्ता में बने रहना है येन केन प्रकरण किसी भी कारण से और ये इस चुनाव में जो जो 2014 का हुआ ये साबित हो गया 2014 का चुनाव क्या था 2014 का चुनाव था भयंकर भयंकर एंटी मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ बहुत भयंकर और दोनों विपक्षी पार्टी 2014 के चुनाव की बात में कर रहा हूं और उस टाइम पे चुटाला परिवार को ये पूरा ये था कि हम आएंगे लेकिन परिवार के अंदर वो फ्रिक्शनबाजी उस दौर में भी शुरू थी चौदह में और उसी ने रास्ता तैयार किया बीजेपी के सत्ता में घुसने का कहीं ना कहीं और कास्ट की सारी उनको सूट कर ही रही थी चौदह में सत्ता परिवर्तन का मूड हरियाणा के लोग बना चुके थे ये तो तो परिणाम ने बता दिया बीजेपी जैसी पार्टी 47 सीट ले तो कोई मजाक तो नहीं था और जो नेचुरल चैलेंजर थे वो आई थी और दो के बाद वो सत्ता में भी नहीं थे तो एक तरीके से दस साल का एक उनका वनवास हो चुका था उसके बावजूद भी क्यों नहीं आ पाए कहीं ना कहीं परिवार के अंदर फ्रिक्शनबाजी थी अजय सिंह और अमय सिंह के परिवार में टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन भी गलत हुआ और जो उनका पिछला चला आ रहा था कहीं ना कहीं उसने भी रोल प्ले किया और बीजेपी जो अकेली चुनाव लड़ी उसमें भी उनका कॉन्फिडेंस दिखा और बीजेपी को इंडिपेंडेंटली हरियाणा के लोगों ने देखा नहीं था तो वो कारण बना बीजेपी के हरियाणा में उदय का जो आप बात कर रहे थे उसका जो परिणति हुई वो 2019 में सामने आई 2019 में पूरा स्टेट आपने भी देखा आप हरियाणा में आए थे उस टाइम भी एंटी इनकम्बेंसी की भयंकर लहर हरियाणा के अंदर थी और सारी चीजें फिर चुटाला के परिवार को सत्ता में आने का माहौल था और कांग्रेस भी नॉकिंग उस पर थी बिल्कुल हुआ क्या गोहाना की वो रैली आपको याद है जहां पर वो परिवार बिल्कुल दो फाड़ हो गया चुटाला साहब भी क्या कहते रहे पूरे टाइम कि हम बीजेपी का ये करेंगे खिलाफत करेंगे दुष्यंत की पार्टी क्या रही क्यों वो आगे बढ़ पाई उसका एक सिंपल कारण है कि अजय सिंह का व्यवहार लोगों के साथ काडरस के साथ शुरू से ही वो एक एमिनेबल थे एक तरीके से वो किसी को मिल लेते थे सर्वग्राह थे मिल जाते थे उसमें जो सबसे बड़ी चूक हुई इनको जो वोट मिली थी वो अगे, अगेंस्ट कांग्रेस अगेंस्ट बीजेपी और यही कह के इस यमुना पार कर देंगे और अगर आपको 19 का याद हो मैं तो उस दिन सारा दिन दिल्ली में था स्टूडियोज में था सारा दिन उस दिन की जो स्थिति थी कि बीजेपी ने 2019 में समर्थन ही मांगा था बीजेपी से दस सीटें आ गई एक्सीडेंटली वो कैसे वो आपको ही पता है इनका कोई कार्डर नहीं था इनका कोई कैंडिडेट नहीं था टिकटें पकड़ा दी जो मांगने आ गया जो असंतुष्ट थे किसी भी पार्टी के वो आ गए बबली जैसे लोग जो तवर के चले थे और तमाम लोग ईश्वर सिंह आ गए जो कांग्रेस के शैलजा के नंबर वन थे लाइक देट रामकुमार गौतम यू कैन नेम ऑल ऑफ देम मां बेटे को छोड़ के उसके अलावा कार्डर में कोई नहीं था जो पुराना कार्डर चला रहा था एक्सीडेंटली ट्रैंगर और क्वारेटर चुनाव के अंदर उनकी दस सीटें आई

जो पूरे परिवार की जो पूरी रियासत चली आ रही थी जो एक परिवार की जो एक तीन पीढ़ियां जो काम पॉलिटिक्स में लगी हुई थी उसने का एक तगमाइन छाती पे यहां लगा दिया कि कुछ भी हो हमें तो सत्ता में रहना है उसके बाद राज्यसभा के चुनाव आए आपने आया अभय सिंह भी बीजेपी को वोट कर रहे तो एक तरफ आप कहते हो कि यह गलत है इन्होंने गलत किया इन्होंने धोखा दिया आप भी तो वही कर रहे हो और फिर कहते क्या हो आप कि हम कांग्रेस को नहीं दे सकते तो यू कैन एबस्टेंड ऑल्सो अगर प्रिंसिपल की बात है तो तो कहीं ना कहीं एक मैसेज ये गया हरियाणा के अंदर और देखिए सबसे ज्यादा वोट जो जेजेपी को जो वोट मिले ना कोई माने ना माने एक वर्ग के मिले थे जो इस सरकार का सबसे बड़ा विरोधी है तो उसके बावजूद जो उनकी गोदी में जिस तरीके से जाके बैठे तो जेजेपी ने जो अपनी यूएसपी थी एक पर्टिकुलर कट्टर विरोधी लहर की वो तो खराब कर ही ली अपनी और चौटाला साहब एक सीट पर सीमित रह गए गएल दुर्भाग्य से क्योंकि मजबूत विपक्ष को मैं लोकतंत्र की सबसे ब्यूटी मानता हूं और उसी का लाभ उठा करके आज के जो हालात है वो सबके सामने ओम प्रकाश चौटाला जी एक सख्त प्रशासक तो थे इसमें तो कोई शक नहीं डिलीवरी भी थी विजन भी था लेकिन उन पर रहते रहते एक तो परिवार के अंदर फिर वही बात है कि जो हस्तक्षेप परिवार में दोनों बेटों का खासतौर तो पर वो उधर खींचता था उधर खींचता था तमाम चीजें हालांकि वो बाहर खुल के नहीं आती थी और सेंट्रलाइज्ड करप्शन जो उनके शासन में जो खासतौर तो पर जो दो नाइनटी नाइन टू टू थाउजेंड फाइव फोर फाइव तक ही था फरवरी तक ये कुछ चीजें थी अदरवाइज देखिए ब्यूरोक्रेसी पे जो उनकी पकड़ थी या तो बंसीलाल जी की थी या उनकी थी और किसी की उतनी पकड़ नहीं थी जो चीज कह दी मुंह से वो प्रशासन के तौर पर प्रशासन के तौर पर मान के चलिए वो था उसके बावजूद भी एक तो उनका जो व्यवहार था कई बार बेहद बेरुख है और किसी को कुछ भी कह देना और यही चीज अभय सिंह में आज भी है जो अदरवाइज अभय सिंह मेहनत में कभी नहीं कर रहे लेकिन वो जो बेरुखी जो एक खास तौर पे जो व्यवहार है और उसी के दूसरे तरह की अजय सिंह उन्हीं के बेटे हैं उधर सीटें इस हालत में भी लिया कि जो पार्टी चार ही महीने की इन्फेंट थी तो ये फर्क है लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जी का जो उस टाइम का जो दौर था जो आज हरियाणा में हो रहा है वो उसी दौर को आप जोड़ लीजिए बिल्कुल सेम है कोई चला गया विरोध किया प्रदर्शन किया लाठीचार्ज डेमोक्रेटिक सेटअप जो भी स्टेट के अंदर होता है उसको उन्होंने भी कमजोर किया एक फैमिली वन फैमिली रूल कोई नॉर्म्स पॉलिसीज वो सारी की सारी दे टुक द बैक सीट और जिसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा जेल की सजा हुई और सारी चीजें हुई वो कोई इतना बड़ा केस नहीं था लेकिन वो जो सारी चीजें थी वो अहंकार था कहीं ना कहीं नहीं आज की तारीख में तो दे देखिए दोनों परिवार बहुत वर्टिकली बटे हुए हैं तो बहुत सारे साथी पत्रकार कहते हैं कि भाई इनकी दोबारा पैचअप हो जाएगा और हो जाएगा मुझे तो पैचअप की कोई गुंजाइश लगती नहीं आज की तारीख में कल क्या हो जाए पॉलिटिक्स है किस तरह की और चुटाड़ा साहब की जो स्थिति है की की आज की तारीख में अगर इस पूरे खेल में कोई लूजर है तो वो सभी एंगल से केवल अभय सिंह तो क्योंकि देवीलाल उनके जो अजय सिंह के परिवार ने दुष्यंत के परिवार ने अपनी 20 साल 25 साल की राजनीति का जुगाड़ कर लिया है इन चार सालों में अब तक और पांच साल तो भी बाकी है देखिए जी आज की तारीख में तो जो सूरत हाल है जो चिटाला साहब के सबसे करीबी लोग है ना वो चार पांच ही फारूक अब्दुल्ला इज वन बादल साहब फारूक अब्दुल्ला आज की तारीख में वहां की मुख्य धारा में बस, बस बने ही हुए जे एंड के में कोई बहुत लंबा चढ़ा उनका नेशनल पॉलिटिक्स और यहाँ भी कोई कद नहीं है सेम इज द सिचुएशन विद बाद देन कम्स नीतीश कुमार लालू यादव मुलायम सिंह जी रहे नहीं और ये पी मतलब जिस तरह के हालात हैं और चुटा हरियाणा चूंकि छोटा स्टेट है और दस ही सीटें हैं तो उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में कहीं सूट नहीं कर रही और चुटाला साहब चैंपियन है तीसरे मोर्चे की राजनीति के और आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं उसमें तीसरे मोर्चे की कोई सूरत हाल दिख नहीं रही अगर आप पीछे इन्होंने जो रैली भी की थी उसमें भी आप देखेंगे तो दो ही तीन लीडर आए जैसे आपके टीएमसी नहीं आई और तमाम लोग नहीं आए तो उसकी गुंजाइश कम है त्यागी जी पूरे देश के स्तर पर भी मुझे लगता है कि जो अगला चुनाव है वो बीजेपी के और उसके अलाइज और कांग्रेस और उसके अलाइज मेन फाइट तो इसी की बनेगी और जिस रीजनल क्षेत्र जहां जहां इफेक्ट कर सकते हैं वो निश्चित तौर पर अपना इफेक्ट करेंगे तीसरे मोर्चे की गुंजाइश मुझे नहीं नहीं वो आप जो उनकी उम्र के हिसाब से सीनियरिटी के हिसाब से एक रिश्ते जिसको कहते हैं दादा ही लगे वो भी इन सबके लेकिन वो गुंजाइश मुझे लगती नहीं तेगी जी उसमें सिंपल सी बात यह है कि इस परिवार में कोई भी जैसे वो एक हमारे हरियाणा में कहावत है ठाकुरों की उस बरात में सारे वो है तो उक्का कौन बनेगा तो इस परिवार में मुख्यमंत्री नीचे तो कोई सोचता ही नहीं ये पहले शख्स हैं दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम बने वरना वहां या तो आप सीएम होते थे या नहीं होते थे तो ये जो सेकंड फेडल गेम वाला सेकंड फेडल प्ले करने के लिए भी तैयार हो जाना है इट्स ऑल्सो स्टेपिंग स्टोन इन ए वे इस परिवार के लिए क्योंकि आप तो नंबर टू कभी रहे नहीं ना रहे तो वन रहे नहीं तो नहीं रहे तो उसमें जो है रणजीत देखिए मुख्यमंत्री कुर्सी तो एक ही रहेगी वो तो दो हो नहीं सकती आ, वैसे भी आपको पता है डिप्टी सीएम कोई पद नहीं होता मंत्री है उसमें से एक डेजिग्नेशन कह लीजिए उसके अलावा कुछ नहीं कोई डिप्टी सीएम का अलग से कुछ नहीं जब चीफ मिनिस्टर बने वो तो ना तो प्रशासनिक अधिकारी उनको जानते थे बियॉन्ड ए पॉइंट एज ए मैन एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो और ना उनका एक्सपोजर था इस सारे उस पर पहले एक साल में चाहे मुरहालीलाल तायल थे चाहे चतर सिंह थे चाहे जुडिशियल साइड पे थे चाहे पुलिस साइड पे तमाम ये रंजीव दलाल और तमाम लोग थे उन सारों की कही न, कहीं ना कहीं प्रशासन पर मजबूत पकड़ थी उसका अर्थ यह नहीं था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई बात कहे वो मानी ना जाए लेकिन उसमें डिले निश्चित तौर पर होता था क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से कॉकस बना लिया था पूरे सिस्टम में तो पहले एक साल के लिए बात सच है लेकिन जैसे ही वो एस वाला पूरा मामला आया जो एस यूपीए की गवर्नमेंट लेकर के आई और सारी स्टेट्स के अंदर उसके बाद का जो कॉन्फिडेंस का लेवल था कि भाई डिलीवरेबल्स कैसे होती है उस एक्सपोजर भी हुआ तमाम मीटिंग्स में और में और साल भर भी हो गया था उसके बाद ही स्टार्टेड डूइंग थिंग्स इन इज ओन यूनिक वे एंड वॉज दैट वे वो वे वो था कि कि ना तो वो वाला था कि टास्क मास्टर। उनका जो अफसरों के प्रति व्यवहार था वो लगभग भजनलाल जी से मिलता जुलता ही था तो कर लो भैया ये टीम में ला के राजीव बोल के उनकी पसंद की पोस्टिंग दे करके उनको गुड ह्यूमर में रख के लाइक like दैट और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो इल बिहेव नहीं थे ही वॉज रिस ऑफिसर्स ऑल्सो एंड कॉमन मैन ऑल्सो कोई बदतमीजी वाली बात उस तरह की नहीं थी उनकी तो बाद में जब दसवें साल तक पहुंचे वो तो सारी चीजें क्लियर थी और ब्यूरोक्रेसी का देखिए एक एक मिनिमम रोल तो हर चीफ मिनिस्टर के साथ रहता है अगर आपके पास पॉजिटिव ब्यूरोक्रेट है आपके स्टाफ में तो आपकी छवि पॉजिटिव हो जाती है अगर रोडे अटकाने वाले है, तो रोड़े हैं तो रोडे भी अटकाएंगे सब तरह के हर एक प्रशासन में होता है इनके प्रशासन में पहले एक साल में हम कह सकते हैं कि उस तरह की चीज थी कि ब्यूरोक्रेसी वाज रूलिंग द रूस्ट और जो बेर मिनिमम दस पांच परसेंट जो हस्तक्षेप रहता है ब्यूरोक्रेसी का वो था लेकिन मोरलेस सेकेंड इन ऑनवर्ड यू कैन से कि इनकी जो इच्छा थी उस चीज को लागू भी करवाते थे अपने हिसाब से हाँ ये ठीक है ट्रांस क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज्यादा उनकी जान पहचान नहीं थी कौन आदमी कहां लगेगा वो ठीक है या गलत है उसको समझने में दो तीन साल जरूर लगे बाद में उनकी अपनी च्वाइसिस भी थी लाइकिंग्स भी थी और डिसलाइकिंग्स भी थी पर इल बिहेव्ड नहीं थे वो मिसबिहेव नहीं थे वो जो दौर था पूरे देश के स्तर पर भी उस टाइम पूंजी बहुत फ्री फ्लो हो रही थी पूरे देश में और डेवलपमेंट जो मैक्सिमम एनसीआर के अंदर था चाहे वो सड़कों का नेटवर्क था चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर था चाहे और भी तमाम चीज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट पावर प्लांट्स तमाम चीज़ें वो चीज़ें आई इसमें कोई शक नहीं डेवलपमेंट के लेवल पे जो डिलीवरेबल्स थे जो डिलीवरी थी वो कंक्रीट थी उस टाइम में तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते कोई जो काम करेगा उसके ऊपर आरोप भी लगेंगे और कुल मिलाकर के जो प्रेजेंट आज की तुलना में करें जो आज चल रहा है या उसके बाद का जो पीरियड है पूरे का पूरा तो आम आदमी के हिसाब से और ओवरऑल स्टेट के हिसाब से कॉमन मैन के हिसाब से दैट वाज मतलब बहुत ही बेहतर समय बजट भी बढ़ रहा था रेवेन्यू भी बढ़ रहा था और उसका कॉमन मैन को फायदा भी हो रहा था इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट पावर प्लांट जितनी भी चीज़ें आपके हैं उसमें देखिए डेवलपमेंट हुआ और कंक्रीट डेवलपमेंट हुआ देखिए त्यागी जी 2014 से पहले तो मनोहर लाल जी को संगठन के अलावा कोई आदमी जानता नहीं था संगठन के महामंत्री थे वो यहाँ रहे हरियाणा में दो टर्म उसके बाद वो जे एंड के वगैरह में उनका एक्सपोजर था तो कॉमन मैन से तो उनका कभी भी किस तरीके का वास्ता रहा नहीं संगठन विद इन संगठन वो ताकतवर आदमी थे संगठन महामंत्री सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है और चाहे वो बंसी लाल जी के साथ सरकार बनवाने वाली बात हो सरकार तुड़वाने वाली बात हो चुटाला साहब के साथ समर्थन वाली बात हो हर चीज़ में इनका योगदान रहता था परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से मेरी जो संघ के प्रति अवधारणा है जो मेरा जो मैं देख पाया हूं संघ को अभी तक जो संघ क्लेम करता है वो एक तो ये कहते हैं कि हम पॉलिटिकल है ही नहीं हम तो एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है दूसरा मनोहर लाल जी का सारा एक्सपोजर वो था और संघ के अंदर जो बात कहते हैं संघ का जो बेसिक कंसेप्ट है वो है लोगों को जोड़ने का संघ एक योजक है जो अपने संगठन के लोगों को भी जोड़ता है वोटर को भी जोड़ता है कॉमन मैन को भी जोड़ता है उस तरीके से एक योजक की भूमिका संख की मानी जाती है कंसेप्चुअली जो मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री बने ही अगेन केम फ्रॉम नोवेर वो तो बीजेपी की मेजोरिटी आ गई एंड ही वाज वाज सिंगल पिक्ड बाय नन अदर देन मोदी हिमसेल्फ देयर इज नो कंफ्यूजन ऑन दैट मनोहर लाल जी का एक तो सामाजिक एक्सपोजर नहीं था टुवर्ड्स द कॉमन मासेस और ही इज नॉट ए फैमिली मैन वो भी एक पक्ष एक ऐसे संगठन में से आते हुए जहां वो हर आदमी की कम से कम मेंटलिटी तो समझ ही सकते हैं अपने संगठन के अंदर क्या वो समझ पाए आप पहली टर्म में देखिए उनके जो मंत्री थे दो मंत्री जीते केवल सारी कैबिनेट हार गई, ये कभी हरियाणा में सुना आपने विद इन फाइव ईयर्स कारण क्या था मुख्यमंत्री थे वो आज भी हैं वो अपनी टीम में भरोसा नहीं करते ना वो ब्यूरोक्रेट्स में भरोसा करते मेरी छवि बची रहे मेरी ही छवि बनी रहे एक काइंड ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच उनकी और वो चुनाव के परिणामों ने भी दिखाई और गजब ये देखिए कि एक तो उनका कैबिनेट तो हारा ही हारा जो सबसे करीबी लोग उनके थे जो गुड़गावा के मंत्री थे उनकी टिकट भी कट गई सिंह की टिकट कटी फरीदाबाद वालों की टिकट भी कटी सिटिंग मिनिस्टर की उन्होंने उनका लिए भी कुछ दूसरा जो एक विजन होना चाहिए आप हरियाणा के अंदर जोड़ने की बात करते हैं पिछले दस साल में त्यागी जी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कश्मीर टेररिज्म का एरिया है डिस्टर्ब एरिया अनफॉर्चुनेटली इतने लोग पुलिस फायरिंग में वहां नहीं मरे आज तक ये पार्लियामेंट के क्वेश्चन है मैं नहीं कह रही है जो मनोहर लाल जी की टर्म में दस साल में हरियाणा में पुलिस फायरिंग चाहे वो जाट आरक्षण हो चाहे वो पंचकुला हो ये सारा अगर आप फिगर मिलाएंगे तो पार्लियामेंट में गृह राज्य मंत्री ने कहा कि हरियाणा के अंदर मैक्सिमम पुलिस फायरिंग में वहां भी नहीं हुआ एक संघ कहता है हम जोड़ते हैं यही कंसेप्ट है हरियाणा के अंदर जो कम्युनिटीज का आप भी हरियाणा में लगातार घूम रहे हो जितना वर्टिकल डिवीजन आज है इतना कभी नहीं हुआ विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट उसके कारण क्या है कारण बड़े महत्वपूर्ण है हरियाणा के अंदर त्यागी जी आज की तारीख में जो बेरोजगारी की दर है वो देश में हाइएस्ट है नंबर एक सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और किसी मंत्री किसी मुख्यमंत्री से पूछ लीजिए आप हरियाणा में कोई मेरिट पे डिस्कशन करने को ही तैयार नहीं है है ना उनसे सवाल पूछता ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण जो जो मीडिया का जो चल रहा आज की तारीख में दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ऑफ यूथ मनोहर लाल जी पारदर्शी शासन की बात करते हैं उनके कार्यकाल में रोजगार के लिए जितनी परीक्षाएं हुई क्या कोई उनका जो सबसे करीबी से करीबी सलाहकार हो मुझे बता सकता है कि एक परीक्षा का नाम बता दे जो लीक ना हुई हो तो जब किसी परीक्षा की बेसिक सी कंप्रोमाइज हो गए और आज तक कोई भी किंग पिन पकड़ा गया क्या एक भी अपने डिप्टी सेक्रेटरी को पकड़ के वही छुट्टा कर दिया वो भी जमानत पे आ गए बार बहाल भी हो ही जाएंगे देव ये कौन सा प्रशासन है पारदर्शिता की बात करते हैं इसमें पेपरली कौन करता है क्रिमिनल जो हाईएस्ट लेवल पे कनेक्टेड होते हैं क्या कोई आज तक बाहर आया सामने वही छोटे मोटे लोग पकड़े गए तीसरा हरियाणा के अंदर ये कहते हैं कि हरियाणा में कंप्लीटली कंप्लीटली आप अभी निकले भी हैं और भी देखेंगे इवेंट्स के अलावा कोई नई चीज पैंसठ हजार करोड़ रुपए था जब इनके ऊपर हरियाणा में कर्जा था सिक्सटी से लेके 2014 तक और पिछले दस साल में जो कर्जा है वो तीन गुना हो गया है उसकी डिलीवरी कहाँ है क्या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाए एक का नाम बताए उस टाइम पे पैंसठ हजार रुपये कर्जा था आज की तारीख में हरियाणा पे दो लाख सत्तर हजार करोड़ के आसपास एज ऑन डेट कर्जा है तो तीन गुना हो गया ये ये कर्ज है कर्ज से आप क्या करते हैं डे टू डे बेसिस पे विज्ञापनबाजी इवेंट मैनेजमेंट कहीं द्वार बना दिया कहीं ये बना दिया आपने कितने रोजगार के अवसर सृजित किए आज हरियाणा के अंदर कोई ऐसा वर्ग बताइए मुझे कर्मचारी से लेकर के तमाम आज सरपंचों पर लाठीचार्ज हुआ है पंचकुला के अंदर कभी कर्मचारियों पर लाठीचार्ज होता है क्या कोई बैठ के बातचीत करने की रिवायत नहीं है क्या इज इट ए पुलिस स्टेट हर चीज को आत्मुग्धता के साथ कि जो मैंने कह दिया वही सच है क्या ये सरपंच ये चुने हुए सरपंच है आपका मंत्री कह रहा है करेक्ट है मुख्यमंत्री कह रहे कि जो हमने कह दिया वही होगा अरे ये डेमोक्रेसी है आप करिए लेकिन उनको अपने यू कीप ऑन द सेम पेज आज हरियाणा में वो खत्म हो गया ये हर किसी सेशन में ऐसा नहीं था कोई भी सरकार लोगों की सरकार है लोगों के लिए सरकार है लोगों के द्वारा सरकार है क्या मनोहर लाल जी की टीम में ऐसे दिखते हैं आपको तो सबसे बड़ा है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पावर यूज बाय ए वेरी फ्यू इन देयर ओन यूनिक वे एंड विच इज नॉट फॉर द पीपल दैट इज एंटी पीपल और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है सेल्फ ऑब्सेशन आपके चारों तरफ के जो लोग हैं वो केवल के कमाल के कर दिया आपने तो अद्भुत है अद्भुत वो है अपने त्यागी जी जो डिलीवरी में दिखे आपको आज किसी वर्ग की बात कर लीजिए आप यूथ की बात कर लीजिए आप किसानों की बात कर लीजिए मजदूरों की बात कर लीजिए किसी भी वर्ग की बात कीजिए कहीं कोई डिलीवरी नहीं है और जो कर्जा मैंने आपको बताया तीन साल जो तीन गुना कर्जा हुआ एक प्रोजेक्ट मनोहर लाल जी ऐसा बताया मेगा प्रोजेक्ट जो उन्होंने इन आठ साल में पूरा कर दिया और शुरू भी उन्होंने किया नॉट वन गुड़गावा को तैनी जी में और आप डेवलप नहीं करते गुड़गावा का जो जो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और जिस तरीके की डिमांड है वहां आपको केवल वहां पे रोड वहां पे पार्क देखिए समस्याएं गुड़गांव में बहुत है जिसपे हम आएंगे भी गुड़गावा इज ओवर प्रेस्ड हार्ड प्रेस्ड फॉर ऑल रिसोर्सिस ना जगह है ना कोई प्लानिंग है प्रॉपर पानी का बड़ा भारी संकट है डिस्पोजल का संकट है आप कह लीजिए उसको मिलेनियम सिटी मैं नहीं मानता उसको मिलेनियम सिटी इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट वर्स्ट स्लम्स इन द टाइम्स टू कम फॉर द वेरी सिंपल रीजन जब बड़ी फैक्ट्रियाँ आएंगी तो छोटे लोग भी काम करेंगे तो छोटे लोग ही जाएंगे और जिस तरह का रिसोर्स पर प्रेशर है वहाँ पर तो वो किसी मनोहर लाल ने किसी भूपेंद्र सिंह ने किसी ओम प्रकाश चौटाला ने डेवलप नहीं किया हो। वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और उसका डेवलपमेंट 91 से शुरू हुआ ड्यू टू अप्रोक्सी टू डेली ड्यू टू आई हाउ इट एंड्रेस्ट तो उसमें किसी इंडिविजुअल की बजाय जो सबसे बड़ी बात यह जो बेसिक्स होने चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के वो आज भी लैक करते हैं तो एक गुड़गावा की छवि आज भी वहां जी ट्वेंटी हो रहा है करोड़ों रुपए आपने बहा दिए वहां पर सब कुछ इवेंटबाजी है गीता को गीता के प्रचार की जरूरत है क्या आपको कि गीता के अलावा सरकारी में कुछ और ही नहीं गाय गीता और फिता ये हरियाणा की पॉपुलर सिंग आप देख भी रहे होंगे लोग कहते तो मेरा कहने का यह कि जो मनोहर लाल जी से जो उम्मीदें थी कि निष्पक्ष होकर के न्याय हो के हिसाब से अच्छा उनके किसी की इलविल भी नहीं थी क्योंकि वो पॉलिटिक्स में थे ही नहीं लेकिन उन्होंने वो सारी चीजें साबित करके दिखाई कि मेरा भी वन वे कम्युनिकेशन है जो मैं सोचता हूं वही ठीक है वो जो आत्मुगता जो ब्यूरोक्रेसी सुबह शाम तक सिखाती है आपको साहब आपने अद्भुत कर दिया मनोहर लाल जी के ये सबसे बड़े वो है और आप देखिए आज प्रदेश के किसी वर्ग से आप बात कर लीजिए और वो फिर भी ये है कहते हैं कि हम सरकार में दोबारा आएंगे उसका सिंपल कारण वो डिवीजन है जो उनकी सबसे बड़ी कुंजी है जो उन्होंने सत्ता की कुंजी बना लिया सत्ता में चुनाव जीत जाना और तो ये कोई मैं इसको बहुत सफलता नहीं मानता हूं देखिए अनिल जी आज की तारीख में हरियाणा में सबसे जो डिजास्टरस समस्या जो सामने आ रही है वो है बेरोजगारी ऐसा खुशहाल प्रदेश हरियाणा जैसा खुशहाल प्रदेश जिसकी पर कैपिटा इनकम और तमाम चीज़ें जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे जो बहुत ऊपर है उसमें आज बेरोजगारी देखिए आप देश के स्तर पे बिहार से भी बुरी स्थिति है हरियाणा में आज उसका सबसे बड़ा कारण क्या है लेक ऑफ स्किल्स यहाँ एजुकेशन का इशू नहीं है यहाँ स्किल्स का इशू है स्किल्स के लिए कोई काम नहीं हुआ एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है डिसमेंट ऑफ यूथ कोई बच्चा क्यों पढ़े रोजगार की जो स्थिति है जैसा मैंने कहा हर पेपर लीक मौजूदा सरकार के अंदर कोई एक पेपर का नाम बताएं जो पेपर लीक ना हुआ हो तो आप फिर ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तीसरा जो सामाजिक जो प्रॉब्लम मुझे दिख रही है आज की तारीख में वो नशा हरियाणा जिस तरीके से दिल्ली से तीनों तरफ से गिरा हुआ है उसी तरीके से पंजाब से भी कंप्लीटली गिरा हुआ है और जिस तरीके से नशा हर जिले में हर न्यू कैंड कॉर्नर में हरियाणा में आज अवेलेबल है वो स्थिति बिल्कुल पंजाब की तरफ जा रही है उसके कारण है रोजगार आपके पास नहीं है जोत छोटी है हरियाणा में एक से डेढ़ एकड़ की जोत के अस्सी परसेंट किसान है तो क्या करेगा रोजगार है नहीं तो फिर गलत संगत में आएगा और वही स्थिति हरियाणा में आज यूथ के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के तौर पर आ रही है उसके बाद डेवलपमेंट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नॉट पर से किसी शहर के अंदर आपने पचास करोड़ रुपए में दो द्वार बनवा दिए गीता द्वार बनवा दिए मंदिर बनवा मंदिर से रोजगार नहीं मिलता मंदिर से आप पंडे पैदा कर सकते हैं मंदिर से वैज्ञानिक पैदा नहीं होते नई पीढ़ी पैदा नहीं होती तो जो कंसेप्चुअली आप देखें आज हम गीता का प्रसार कर रहे हैं हम फलाने का कर रहे हैं अच्छी बात है आध्यात्मिक पार्ट है वो उसको करने के लिए संघ है संघ की शाखाएं हैं आपका अपना जो उसको सरकारी पैसे से आप हमारा तो धर्मनिरपेक्ष देश है उसके अलावा जो हरेक सेगमेंट के अब जैसे किसानों की आप बात कीजिए आज हरियाणा के अंदर जितना भयंकर पानी का संकट है सर्दियों के मौसम में मैंने जीवन में मैं उनचास साल का हो जाऊंगा इस बार सर्दी के मौसम में मैंने पानी की कटौती नहीं देखी मैंने लास्ट ईयर भी हुई इस बार भी अब गर्मी शुरू होगी बिजली के कट देख लीजिए तीन तीन घंटे के कट्स ऑलरेडी शुरू हो गए हम मार्च पहली आज तो मेरा कहने का मतलब है डेवलपमेंट विद ए विजन आत्मुक्ता एक चीज है विज्ञापनबाजी अलग चीज है नेट डिलीवरी क्या है आप किसी अपने प्र... हरियाणा प्रदेश की किसी सड़क पर जाइए वो completely, completely एक कंप्लीटली कंप्लीटली एक पॉलिटिकल डिसीजन है वो किया तो ये हुआ था कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करके लेकिन नीचे वो भी बैकफायर कर रहा है अगर ग्रास रूट पर आप देखेंगे मैं उसकी निटिग्रिटीज में नहीं जाऊंगा उसके तमाम और कारण है लेकिन कुल मिला जो सोचा था उसमें वो सफल नहीं हुए उसका भी नीचे ग्रास रूट पहली बात तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इनको वोट पहले भी बहुत ज्यादा नहीं मिलता है इट्स सिटी ओरिएंटेड और अर्बन ओरिएंटेड पार्टी गांव के अंदर इसके बाद भी और ज्यादा डिवीजन हुआ है और आई थिंक उसके पीछे शायद मंशा भी यही रही हो लेकिन वो बैकफायर करेगा उसका कोई लाभ नहीं होगा इनको दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट और जो त्यागी जी मैं कह रहा था किसानों की समस्याएं देखिए आप हरियाणा में किसान का आलू पचास पैसे से एक रुपए में पिट रहा है कहा है आपकी बावंतरी योजना आप कल जब महम निकलेंगे रास्ते में देखिएगा कितने एकड़ में पानी खड़ा हुआ है आप गुड़गावा से रास्ते में आपने पानी खड़ा देखा होगा बारिशें कब हुई थी तो डिलीवरी कंप्लीटली फेल है एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी जीरो है पूरे हरियाणा में अभी आप देखिए क्या प्रशासन का हो रहा है हर एक हुड्डा के सेक्टर में चार फ्लोर अलाउ कर दिए क्या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया था वा? वो वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने पांच सौ हजार प्लॉट के लिए बनाया है उसमें चार हजार घर बन जाएंगे सीवर का क्या होगा पानी का क्या होगा पब्लिक कम्युनिटीज का क्या होगा कोई विचार नहीं बिल्डर लॉबी ने कहा आपने कर दिया प्रेशर आया आप स्पीकर ने कह दिया हटा लिया विधानसभा में उठ सब समझे बंद कर दो ये प्रशासन है ये कोई ये इस तरीके से नहीं होता प्रशासन दैट शोज जीरो विजन ये ऐसी चीज है एक तरफ तो आप बात करते हो इंफ्रास्ट्रक्चर की और आपको मुझे लगता है कि संघ ने उनको तमाम चीजें सिखाई लेकिन गवर्नेंस का मुझे लगता है जी भी नहीं सिखाया गया जो हरियाणा के मौजूदा स्थितियां हैं उसमें यह दिखता है कि आज की तारीख में हम ये नहीं कह सकते कि एक्स पार्टी सत्ता में आएगी या वाई पार्टी आएगी या जेड क्योंकि हाल सबका यही है लगभग लग। किसी में कुछ कारण है किसी में कुछ कारण है और पॉजिटिव वोट की हरियाणा में गुंजाइश बहुत कम है इस बार भी हरियाणा में चुनाव लड़ाया जाता है फलाने को इलाज करने के लिए किसी को चुनाव जिताने के लिए जिताया जाता तो हरियाणा के लोग इनका तो इलाज करने की सोच चुके हैं आपने भी देखा होगा फील्ड में लगातार नाम लेते ही लोग कूद के आते हैं मतलब वायलेंट लेकिन बनेगा कौन कांग्रेस की जो स्थितियां हैं भीतर आपस की जो भी स्थिति है उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी जो चुटाड़ा परिवार की स्थिति को ऊपर से तो आएगा नहीं जो कल दिल्ली में हुआ है मनीष सिसोदिया वाला इसको छोटी इवेंट मत मानिए आप फॉर ऑल प्रैक्टिकल ही नंबर टू टू केजरीवाल तेतीस में से अठारह महक में, में वो अकेले चला रहे थे और जो पूरी एक्सपेंशन प्लान थी वो चाहे वो गुजरात में थी चाहे वो हिमाचल में थी चाहे पंजाब में थी चाहे हरियाणा की सोचते हैं चाहे कर्नाटक की सोचते थे मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ का भी उन्होंने प्लान किया हुआ था जैसे ही सिसोदिया अंदर गए हैं वो सारे का सारा प्रेशर केजरीवाल पे आएगा वो डिपार्टमेंट ले यहां मतलब अब तक क्या था कि दिल्ली को संभाल रखा था कोई था और ये अपना जो भी एडवेंचर मिस एडवेंचर कर सकते थे या वहां वो कर सकते थे उसकी एक संभावना कम हुई है एक दूसरा दिल्ली के अंदर से रेवेन्यू बहुत ज्यादा चुनावी खर्चों के लिए और सबके लिए नहीं मिल पाता है उसके लिए इनके पास पंजाब आया था लेकिन एक्साइज पॉलिसी में जो फीएसको हुआ है जिसके कारण सिसोदिया अंदर गए हैं उसके बाद इनको फूक फूक के कदम रखना होगा क्योंकि ये रडार पे है सभी एजेंसीज के ये बात सिसोदिया तक रुक जाएगी मुझे बहुत शक है इस पर इसकी लपटें और दूर भी जा सकती हैं तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी के तार कहाँ तक जुड़ते हैं क्योंकि वो जो अरोड़ा साहब पकड़े गए हैं दिल्ली में जो इस एक्साइज पॉलिसी के पीछे सूत्रधार थे और जो अब अप्रूवर बन गए हैं सीबीआई के वो किस किस का नाम लेंगे इसकी तो अभी तक साउथ इंडिया में भी जाएगी लेकिन अगर यही सवाल हालात चलते रहे तो दे पॉलिटिकल वैक्यूम तो रहता नहीं और पंजाब के अंदर भी अगर आप चुनाव वोटिंग से अगर एक महीने पहले देखें तो वी आर ऑल प्रेडिक्टिंग असेंबली द वे द अनसेरीमोनियसली कैप्टन अमरिंदर सिंह रिमूट दैट बिकेम द दिन के सारे हालात ही पलट दिए हु हरियाणा में क्या होगा लेकिन एक चीज तय है कि जो वर्टिकल डिवीजन बीजेपी करने आई थी हरियाणा में दे हैव वेरी सक्सेसफुली डन इट इन टर्म्स ऑफ कास्ट रिलीजन एंड एवरीथिंग थिंग विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट इज वेरी अनफॉर्चुनेटी जी और ये केवल हरियाणा का फिनोमिनल नहीं है आप पूरे देश में भी जाएंगे कहने को सर्विस है और मेरा तो व्यक्तिगत तौर पर माना इतने साल के जर्नलिज्म के बाद तमाम तरह के देखने के बाद बाहर भी देखा मैंने एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस क्या होता है हिंदुस्तान का अगर जो आपने बहुत सही शब्द प्रयोग किया पैराडॉक्स जो है वो सबसे बड़ा पैराडॉक्स यही है जब आपको लाभ लेने होते हैं ब्यूरो को तब तो आप ऑल इंडिया कैडर हो जाते हैं और जब आपको पोस्टिंग्स चाहिए हैं तो आप उस चालीस साल का या पैंतीस साल का कैरियर ऑल पावरफुल आप एक ही स्टेट में बताते हैं बारिंग पांच सात साल आप सेंटर में चले गए इधर उधर क्रॉस डेपुटेशन में चले गए यही तो ये जो कॉकस है आप कोई भी सरकार आती है पहले पंद्रह दिन के बाद ये बता सकते हो कि अगले पांच साल में हु विल रूल द रूस्ट विच ग्रुप और ब्यूरोक्रेसी में मठ बने हुए हरियाणा में वो पूरे देश में बने हुए हैं चाहे वाई है चाहे वाई है तमाम सर्विसेज के अंदर और उनका मैं तो मिस एडवेंचर मानता हूं वो जब ये कहते हैं बैठ के इनफॉर्मली कि गवर्नेंस इज टू सीरियस ए बिजनेस टू बी लेफ्ट टू दिस काउंटरल पॉलिटिशियंस दे यूज द वर्ड्स काउंटर एंड वेरी ओपनली एंड दे लाफ तो ये बेसिकली दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो अनइलेक्टेड लोग हैं वो हरियाणा पे सदा से राज करते हैं वो आज से नहीं आप छियासठ से ही देख लीजिए मुख्यमंत्रियों के नाम लोग भूल सकते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम नहीं भूलते चीफ सेक्रेटरीज के नाम नहीं भूलते डीजीपी के नाम नहीं भूलते उसका कारण केवल यह है कि उनकी इंटरफेरेंस इतनी ज्यादा है डे टू डे में कि बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री का नाम नहीं लेंगे वो फलाना अफसर नहीं कर रहा तो ये मुख्यमंत्रियों की कमी है त्यागी जी मैं मानता हूं ये बंसलाल के टाइम में कोई ये नहीं फलाने नहीं किया वो उसके कहने के बाद तो ये कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी जो हावी है वो मुख्यमंत्रियों की कमजोरी है वो पर्सनल च्वाइस है और उसका कारण सिंपल है कि उसके भी बड़े रोचक है कास्ट कंफिगुरेशन ब्यूरोक्रेसी की कहां से कास्ट आ गई पूरी की पूरी लॉबी देखिए आप अच्छा वो इस सिस्टम की नहीं किसी भी सरकार में देख लीजिए फ्यू वही पांच सात का एक गैंग है मैं हूं। क्यों? The well वो केवल मेरा पोस्टिंग के लिए वो लोग किसी भी स्तर तक जा सकते हैं और ये हरियाणा का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो मेरिट है और केवल और केवल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है उससे आपको पता लग जाएगा हरियाणा कितने डीसी कौन से होंगे इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा सत्ता के प्रतिनिधि कौन है आप अपने जो आपकी जमीन है खेत की उसका सीएलयू कराने चले जाइए जाए जहां आपका है आपकी जमीन आप करा लीजिए आपको दस साल सीएलयू नहीं मिलेगा और घोषित दलाल हर एक जिले के अंदर है वो आपको एक घंटे में सीएलयू करा के दे देंगे यही वो लॉबी है और वही लोग सत्ता के करीब है कोई सत्ता हो यही दुर्भाग्य है यहां पर डायरेक्टरी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कौन होगा सेक्रेटरी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कौन होगा ये तो कहीं और सही तय होता है कौन लगाता है आपको ही पता है संघ ये इसको लगाएगा संघ का फलाना जी इसको लगाएगा संघ के डिमकाने जी उसको लगाएंगे और यही चल रहा है घोषित जो सबसे करप्ट लोग थे वो इस टर्म में देखिए आप लिस्ट उठा के देखिए और सबको पता है मुख्यमंत्री को ही पता है बट दैट इज बियॉन्ड इज कंट्रोल तो गवर्नेंस पे ध्यान नहीं है मैं स्मूथ रहूं मेरी कुर्सी समूथ रहे बाकी ठीक है चलता रहेगा गुड़गावा और फरीदाबाद की आप आपके दलाल पदाधिकारी जिनको उस पर मुझे लगता है हर एक जिले के अंदर दस दस हजार रुपए लिए जा रहे हैं आप घूमेंगे आप पता कीजिएगा लोगों से बात कीजिएगा लोग नाम लेके बोलते हैं क्योंकि हरियाणा का आदमी आपको पता है बड़ा मुखर है तो संगठन जो संघ जो था वह आज काम क्या कर रहा है और इससे बीजेपी कहां पहुंचेगी आने वाले समय में इस पर भी एक्सर्स करने की जरूरत है इस पर भी एक स्टोरी करने की जरूरत है हर एक जिले में आप कोई जिला बचा नहीं हुआ नहीं इस देश में मुद्दों की बात तो खत्म हो गई है पिछला चुनाव अगर आप इस देश का लोकसभा का भी देखें और विधानसभा का हरियाणा का देखें तो पिछली बार भी यही हालात थे कोई फर्क थोड़ी था पिछली बार तो और ज्यादा हादसे थे नोटबंदी थी पता नहीं क्या क्या था उसके बावजूद यूपी में जो मैंडेट आया सेंटर में किस बात पे मैंडेट आया इस देश में सवाल खत्म हो गए त्यागी जी आप यह बताइए मुझे कि बालाकोट में क्या हुआ था हम तो कोई पॉलिटिकल आदमी है नहीं मैं तो डिफेंस बीस साल कवर किया स्ट्राइक हुआ नहीं खबर एक्सटर्नल एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस मिनिस्ट्री के डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक घंटे के अंदर क्या क्या खबरें आई हजार मार दिए पांच सौ मार दिए पाकिस्तान के आतंकवादी कहीं कुछ आया सामने और पूरे देश में एक नेशनलिज्म की तो मुद्दे कहा रहेंगे यहां से आज हरियाणा में चूंकि सेन, सेना के अंदर बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन है दस की दस सीटें आई उनकी और ह्यूज मैंडेट के साथ लाखों के साथ जीते वो उसका साधारण कारण क्या था कि आंखों पर पट्टी बंदगी राष्ट्रवाद की देखिए विधानसभा की तो लगभग तैयारी है कि जो पिछली बार भी सूरत थी लेकिन वो चूंकि तीन जगह वोट बट गए जेजेपी कहीं ना कहीं से आ गई एकदम और कांग्रेस ने टिकटें गलत पार्टी तो उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा अगर कांग्रेस की बीस हजार वोट और होती अगर आप जोड़ेंगे तो उनकी मेजोरिटी की सरकार होती कुल बीस हजार बट दैट इज अगेन हाइपोथेटिकल सिचुएशन और इस बार हालात क्योंकि जी कहते हैं टिकट गलत बांट दी टिकट तो आपने गलत बांटी होगी हमने तो बांटी नहीं और इस बार क्या गारंटी कि इस बार टिकट गलत नहीं बांटेंगी तो ऑल सेड एंड रन अभी तो डेढ़ साल बाकी है त्यागी जी इट्स टू अर्ली टू से समथिंग वन थिंग इज वेरी क्लियर ये गिवन द अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट रिज्यम विल नॉट सर्वाइव फॉर ए मिनट इफ गिवन गि चांस उस समय क्या स्थितियां होंगी परिस्थितियां होंगी बात तो यह भी हो रही है कि जो बीजेपी का जो संघ जो सारा चीजें देखता है सोनीपत भिवानी सिरसा रोहतक और महेंद्रगढ़ इन सीटों पर ही रिकंसिडर कर रहा है और हिसार अपने आप हो जाए क्योंकि वीरेंद्र सिंह बीजेपी छोड़ने वाले हैं तो ऑल टुगेदर न्यू फेसेस आएंगे दस में से छह सीट होगी तो उसमें क्या समीकरण बैठेंगे क्या समीकरण क्या है कौन किस आदमी का क्या कंट्रीब्यूशन है अभी दूर की कड़ी है लेकिन देखिए हरियाणा जैसी छोटी स्टेट में स्टेट और सेंटर में कोई बहुत चुनाव में बहुत फर्क नहीं रहता है जो हरियाणा में अगली पिछली बार जो मनोहर लाल की चालीस सीटें आ गई उसका साधारण कारण यह था कि पार्लियामेंट में दस की दस आ गई थी और फिर जो फेक फेक प्रोपोगेंडा चला टीवी चैनलों के द्वारा की बार अस्सी पार पिचहत्तर पार उससे अपोजिशन ने सांस ही छोड़ दिया अदरवाइज बीस हजार का मार्जिन है मेजोरिटी में कांग्रेस में तो कहीं ना कहीं वो ये भी दिखाता है कि अपोजिशन के भी कान जमीन पे नहीं है दे आर ऑल्सो नॉट फर्मली फुटेड बीजेपी का तो जो है वो है जो जजपा की पार्टी है आप मुझे बताइए लोग किस मुंह से वोट देंगे उनको पूरी जजपा की एक एक वोट किस बात पे पड़ी है खट्टर विरोध पे पड़ी है और वो बिना मांगे उनको देते हैं जाके इनेलो कहां जाएगी जो चुटड़ा साहब ने कह दिया कि विपक्षी एकता की बात करता हूं क्या वो कांग्रेस के साथ कभी गए आज तक पहली बात तो वो उतनी स्थिति ही नहीं लगती कि ही विल बी दैट किलिवेंट कि पांच सात सीटें हों और आज की तारीख में दिखता हो सकता हूँ तो कुल मिला के आज की स्थिति बहुत ही पेचीदा है चुनाव से महीना दो महीने पहले तक क्या स्थितियां बढ़ेंगी क्या नैरेटिव बनेगा किस तरह के हालात बढ़ेंगे क्या इश्यूज होंगे एंड हाउ दे आर टेकन अप अपोजिशन ने भी पिछली बार जिस तरीके से चुनाव लड़ा है वो कोई चुनाव लड़ने का तरीका नहीं था बहुत ही माइल्ड चुनाव बड़ा ही मीक चुनाव वरना हरियाणा में बड़ा पंप एंड शो के साथ बड़ा ही फाइटिंग स्पिरिट में चुनाव लड़ा जाता है पिछली बार कोई इस तरह का चुनाव मुझे नहीं दिखाई दिया उसके बाद भी बीजेपी की चालीस सीटें रही डिस्पाइट ऑल पावर फ्रॉम सेंटर ऑल रिसोर्सेज एवरीथिंग उसके बाद भी सीट तो चालीस आई और जोड़ तोड़ की लठबंधन की सरकार चल रही है हरियाणा ना वो उसको देख के राजी ना वो उसको देख के राजी आप मुझे बताइए मनोहर जी से उनका कौन सा एमपी खुश है एक एमपी का नाम बताइए कोई मंत्री पिछली बार के सारे मंत्री घर बैठे हुए तो कहीं ना कहीं वन मैन शो चल है। जब तक चलेगा देखिए बाकी चुनाव का क्या होगा वो आने वाले समय में पता लगेगा इट्स टू अर्ली टू से समथिंग